अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मेरे पास मध्य प्रदेश राज्य पत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित राज्य शासन की अधिसूचना मेरे हाथ में है और इस अधिसूचना में प्रदेश में संचालित मदिरा दुकानों के समूह को शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं अतिरिक्त वार्षिक मूल्य के भुगतान पर उप दुकान खोलने की अनुमति दी जाती है। इन दुकानों की प्रकृति ऑन श्रेणी की रहेगी और किसी मुख्य दुकान हेतु एक या एक से अधिक उप दुकानें भी स्वीकृत की जा सकेंगी। मैं आज मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से सवाल करना चाहता हूं, ये फैसला मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश बना देगा? जब हमारी सरकार थी तब हमने तय किया था मध्य प्रदेश में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी, और जो वर्तमान शराब की दुकानें हैं उस समय की मैं बात कर रहा हूं, उनमें हम धीरे धीरे कमी करेंगे, कम करेंगे, और हमने दुकानों को बंद करना शुरू कर दिया। लेकिन ये फैसला एक या एक से अधिक उप दुकानें खोली जा सकेंगी, अब एक से अधिक का मतलब केवल एक नहीं, अगर एक खुलती है तो आज जितनी शराब की दुकानें हैं मध्य प्रदेश में वो दुगनी हो जाएंगी, और एक से अधिक अगर खोलते हैं तो वो तिगनी होगी, ये चौगनी होगी, ये पांच गुना होगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये मध्य प्रदेश को शराब के नशे में डुबा के तबाह करने की तैयारी है इस सरकार की। ये